अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तलबात, आज स्कॉलरशिप के नए पीरियड के साथ 8वीं जमात के तलबा के लिए जो स्कॉलरशिप का दूसरा पेपर है, जिसमें ज़हनी आजमाइश और इंग्लिश इन दोनों मजामीन पर मुश्तमिल सवालात होंगे, उसके इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले 5वीं में या जब 4थी में एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उस वक्त जब आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपको इस पेपर की नौईयत पता होगी। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं दिया है, जो पहली मर्तबा स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि पहले पेपर को समझ लिया जाए कि पेपर में किस तरह से सवालात होते हैं, और फिर उसके तरीके को समझा जाए कि अब इन सवालात को हल कैसे करना है। यहाँ पर पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ज़हनी आजमाइश के पेपर में किस तरह से उसके सवालात होते हैं। आज हम इंग्लिश के जो पेपर टाइप और कंटेंट है उसके बारे में देखने जा रहे हैं, जो हम स्लाइड की मदद से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, 8वीं जमात के स्कॉलरशिप के लिए। अजीज तलबा तलबात, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कॉलरशिप के पेपर में दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में उर्दू ज़बानदानी और रियाजी होता है, और पेपर 2 में ज़हनी आजमाइश और इंग्लिश होता है। दोनों पेपर्स में 75 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 1 में भी 75 क्वेश्चंस, पेपर 2 में भी 75 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन के दो दो मार्क्स होते हैं। इस तरह हर एक पेपर के 150 मार्क्स हुए और कुल मिलाकर 300 मार्क्स होते हैं ना। तो यहाँ पर हम पिछले हफ्ते हमने देखा था के पेपर 2 में जो 75 सवालात हैं, उसमें 25 सवाल इंग्लिश के होंगे और बाकी जो 50 सवालात हैं वो ज़हनी आजमाइश के होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के जो 25 सवालात होंगे वो किस तरह हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, आज हम उसके बारे में एक सरसरी जायजा लेंगे और साथ ही साथ कुछ सवालात भी हल करेंगे। सबसे पहले जब इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश में जो सवालात होंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वोकैबलरी, उसके बाद वर्ड पजल्स, लैंग्वेज स्टडी, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग और रीडिंग स्किल, और इसके अलावा भी कुछ दीगर सवालात हो सकते हैं। लेकिन ये जो 6 टॉपिक्स से हैं, ये ऐसे हैं कि इन पर से सवालात बनाए जाते हैं। अब सवालात किस तरह बनते हैं, हम लोग एक एक करके जल्दी से उसका जायजा ले लेते हैं। सबसे पहला है वोकैबलरी। वोकैबलरी आज आपने ये वर्ड कई मरतबा सुना होगा, वोकैबलरी मीन्स जखीरा अल्फाज, है ना, यानी आपको इंग्लिश के कितने वर्ड्स मालूम है, कितने वर्ड्स के मीनिंग आप जानते हो, कितने वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो, वो आपका वोकेबलरी कहलाता है। सो वोकेबलरी यहाँ पर उसके सवालात होते हैं। अब जैसा कि उसका माने हम देख रहे हैं कि वोकेबलरी यानी क्या, तो उसी नौईयत के सवालात भी होते हैं ना। चलिए वोकेबलरी में किस तरह के सवालात होंगे, तो उसमें हो जाता है पहला राइडिंग वर्ड्स यूजिंग द गिवन क्लूज ना, कोई इशारे दिए हुए रहेंगे जिसे देखकर आपको वर्ड्स लिखना है। जैसे अभी आप इस वक्त जो है कहाँ पर बैठे हैं, तो एक पिक्चर बना हुआ है सपोज, और लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर इन, और आगे की जगह खाली है,
तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम या स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल, है ना। तो ये जो तस्वीर देखकर या कोई अगर इशारा दिया हुआ है उसकी मदद से कुछ सवालात होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, है ना। जैसे हम देख रहे हैं इंग्लिश में जब हम किताब में से कोई सबक पढ़ रहे हों तो बहुत मर्तबा कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमने उसका कुछ और मीनिंग समझा था, लेकिन जब सबक में वो इस्तेमाल किया गया है तो उसका कुछ और भी मीनिंग हो रहा है तो ये किस तरह से हो रहा है कि एक वर्ड के अलग अलग कई माने होते हैं। तो पैराग्राफ में या जुमले में दिए गए वर्ड को समझकर उसका मीनिंग गेस करना, इस पर से क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अपोजिट एंड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, ये हमें पता है, हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि अपोजिट वर्ड्स और सिमिलर मीनिंग वर्ड्स यानी सिनोनिम्स ना, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये जो है क्वेश्चंस होंगे कि कोई वर्ड दिया हुआ है और ऑप्शंस में से उसका अपोजिट वर्ड या उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना है। देन वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड दिया हुआ है और जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने 7th में पढ़ा हुआ था, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह। तो ये जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसमें से कोई भी एक वर्ड दिया हुआ रहेगा और फिर आपको उसे चेंज करना होगा। जैसे समझ लो अगर एक वर्ब दिया हुआ हैप्पी, सपोज एक एडजेक्टिव दिया हुआ है हैप्पी, तो आपसे कहा जाएगा कि उसका नाउन बनाइए, तो हैप्पीनेस उसका नाउन हो जाता है। तो इस तरह के सवालात वर्ड फॉर्मेशन में होते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है होमोफोन्स, होमोफोन्स यानी ऐसे वर्ड्स जो स्पेलिंग तो अलग अलग होता है लेकिन उसे पढ़ते हैं तो उसका प्रोनंसिएशन सेम होता है ना। जैसे हम कहते हैं बाय बाय, तो जब हम बाय कह रहे हैं तो बाय को अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं बी वाई बाय, है ना। तो ये एक हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं बी यू वाई, वो भी बाय हो जाएगा लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो स्पेलिंग अलग होता है, मीनिंग अलग होता है, लेकिन सुनने में उसका प्रोनंसिएशन जो है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं बुक। अब बुक के दो मीनिंग होते हैं, एक तो वो बुक होता है जो हम लोग क्लास में यूज कर रहे हैं और एक वो बुक होता है जो वर्ब है, जैसे बुकिंग करते हैं, टिकट वगैरह बुक करना हो। तो एक ही वर्ड था लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है। तो वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके स्पेलिंग्स अलग होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा जाता है तो पढ़ने में वो बिल्कुल सेम पढ़े जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है होमोफोन्स। क्या फ्रेजेस हैं, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं शट अप, जब हम शट अप कहते हैं तो उसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, शट और अप। जब अगर हम सिर्फ अप का मीनिंग देखेंगे तो अप का मीनिंग तो कुछ और होता है, लेकिन जब हम शट अप कह रहे हैं तो दोनों मिलाकर एक अलग ही मीनिंग बन जाता है। इस तरह जो वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाकर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो इसे कहा जाता है फ्रेजेस। तो इंग्लिश में एक पैटर्न दिया जाता है फ्रेजेस का, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि फ्रेज का मीनिंग क्या है, या जुमले में खाली जगह दी हुई रहेगी तो वहाँ पर कौन सा फ्रेज फिट बैठेगा। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देन राइटिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द क्लू प्रोवाइडेड, जो भी दिया हुआ है जुमले की शक्लों में उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इसके हम लोग प्रैक्टिस लेने वाले हैं। उसके बाद गेसिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना कोई वर्ड दिया हुआ रहेगा और उसका मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में ही चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस है जो हमें वोकेबलरी बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों वोकेबलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी जबान को
सीखने के लिए, उस पर कमांड हासिल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वोकेबलरी। जब तक हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे तब तक हम उस ज़बान को समझ नहीं सकते। और यहाँ पर जब हम एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास एक सेट दे दिया जाता है कि आपके बुक्स में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, अब आप कहेंगे 8वीं की बुक में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इन बहुत सारे वर्ड्स को आपको समझना भी है, याद भी रखना है, और वो जुमले में किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं उसी तरह आपको इस्तेमाल भी करते हुए आना चाहिए। इतनी सलाहियतें हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। तो अब आप देखिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं है कि नामुमकिन हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। हमारी उम्र के बच्चे आसानी से कर लेते हैं, हम भी अगर थोड़ी मेहनत करें तो वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। जितने सारे वर्ड्स हमें पता होंगे ना, तो उसके लिए बहुत आसान है कि हमारे टीचर्स जब हमें क्लास में कोई लेसन पढ़ा रहे होते हैं तो बोर्ड पर बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग लिख रहे होते हैं या फिर ओरली बता रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उन वर्ड्स को नोट करना चाहिए। यानी पेंसिल से आप अपनी एक नोटबुक साथ में रखा करें, और जैसे ही कोई वर्ड टीचर ने बोर्ड पर लिखा और उसका मीनिंग बता रहे थे, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप घर जाकर होमवर्क करते हैं या घर जाकर दोबारा से कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या करना है, उन वर्ड्स को याद करना है ना। क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा टॉपिक है कि आपको अगर एक लिस्ट दे दी जाए और कहा जाए कि इसे पहाड़े की तरह आप याद कर लीजिए, तो आप उसे पहाड़ों की तरह याद नहीं कर सकते, बल्कि वो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में बसता जाएगा। उसे रोजाना थोड़ा थोड़ा करके आप अगर पढ़ते हैं तो देट विल बी गुड फॉर योर फर्दर स्टडीज। ठीक है, तो वोकेबलरी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर से कोई 3 या 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इतने सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो लिस्ट दी हुई है उसमें आता है, सेकंड है वर्ड पजल्स। वर्ड पजल्स में दो तरह के टॉपिक्स आएंगे, पहला क्रॉस वर्ड पजल्स और रीडल, है ना। क्रॉस वर्ड पजल और रीडल्स तो हमारे बुक में इससे पहले आपने किया होगा कि एक या दो जुमले होते हैं रिदम में, और उसे पढ़ने के बाद उसी में से हमें उसका आंसर तलाश करना होता है। क्रॉस वर्ड पजल क्या होता है, जिसे हम उर्दू में मुअम्मा कहते हैं। अखबारात में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें हमें जो है तो हरूफ तहजी की मदद से उसके जो इशारे दिए हुए हैं उसकी मदद से अल्फाज लिखने होते हैं। तो वैसा ही इंग्लिश में भी आपको आने वाला है ना। अभी हमारे बुक में भी दिया हुआ है, हमारी टेक्स्ट बुक में भी इस तरह के सवाल आते हैं जहाँ पर वर्ड पजल्स दिए हुए हैं, है ना। वैसा ही ग्रिड है। ग्रिड का मतलब क्या हुआ कि एक टेबल बना हुआ है, उसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, उसमें से आपको वर्ड्स पहचानने हैं। तो ये वर्ड पजल्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आता है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें पहला टॉपिक आता है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन यानी आपको जुमले बनाते हुए आने चाहिए ना। जैसे आपसे जब कोई पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो हम जवाब में अपना नाम बताते हैं कि आई एम समीर, है ना, इस तरह से। तो ये सेंटेंस जो आपने बनाया कि आई एम समीर, एम कहाँ पर लगेगा, समीर कहाँ पर आएगा, और अगर हम बड़ा जुमला बनाते हैं तो कौन सा वर्ड किसके बाद आना चाहिए, ये सारी चीज़ें सेंटेंस फॉर्मेशन में आती हैं। सेकंड है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चन टैग होता है, यस नो क्वेश्चन होता है, उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, ऑर्डर्स हैं, रिक्वेस्ट है, ये अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस है जो हम यहाँ देखने वाले हैं। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो हमारा 7th में पहली ही नज्म थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरी ये क्या है कि जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, एम इज आर,
वाज वर हैव हैज वगैरह, इनके अलावा भी कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अपना एक खास मीनिंग रखते हैं। जैसे शुड, शुड उसका अलग मीनिंग होता है, कैन उसका अलग मीनिंग होता है। तो इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, जो हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है टेंसेस। टेंसेस तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो उसमें कैसे समझ में आएगा कौन सा टेंस है, उसका नाम या फिर उसको बदलते हुए आना चाहिए, है ना? कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वर्ब किस फॉर्म में यूज होता है, ये सारी चीजें उसमें हमें देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ग्रामर। ग्रामर के नीचे साथ में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी एक तरह का जुमला दिया हुआ है, आपको दूसरे तरह का जुमला बनाना है ना। उसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपने ग्रामर पढ़ा होगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर भी हम लोग उसे पढ़ेंगे कि ग्रामर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज एक मरतबा अगर आपने तरीका सीख लिया तो आपको बहुत मज़ा आएगा एक्टिव और पैसिव आपस में चेंज करने के लिए। इसी के साथ एक दूसरा ग्रामर होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हमें गौर करके एक साथ करनी होती है। तो एक मरतबा अगर आपने इसका तरीका समझ लिया तो फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है ना। और उसी में लास्ट है डिग्री। डिग्री जैसे हम लोग कहते हैं बेस्ट है और कहीं पर हम कहते हैं गुड है, तो ये गुड और बेस्ट ये डिग्री है। और ये भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बिग बिगर बिगेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो डिग्री के टॉपिक को लेकर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग ना। क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग में क्या है, जैसा कि वर्ड ही समझ में आ रहा है, उसमें आपको कुछ राइटिंग करना है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स हैं, डायलॉग्स हैं, स्लोगन्स हैं, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़, ईमेल, वेबसाइट्स और एसएमएस लैंग्वेज। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है बच्चों की, स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में चूँकि हमारे पास इंग्लिश के सिर्फ 25 सवाल हैं और उन 25 सवाल में ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, वोकेबलरी, वर्ड पजल, लैंग्वेज स्टडी, ग्रामर। तो क्रिएटिव राइटिंग के जो बड़े सवाल हैं उसमें से एक या दो ही सवाल आने का इम्कान होता है ना। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक्स आ रहे थे शॉर्ट नोट्स, इसमें आपको कॉम्प्रहेंशन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ है या एक न्यूज़ दी हुई है या दो लोग आपस में डायलॉग्स दिए हुए हैं, और उस पर से कोई क्वेश्चन हो सकता है कि डायलॉग खाली है तो वहाँ पर क्या आंसर आएगा, मतलब क्या जुमला होना चाहिए, या एडवर्टाइजमेंट का एक आपके पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट बना हुआ है उस पर से क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ लिखा हुआ है, एड्रेस कहाँ लिखा है वगैरह, है ना? तो इस तरह के सवाल उस पर से आ सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट है हमारा टॉपिक इसमें से रीडिंग स्किल ना। रीडिंग स्किल यानी पढ़ने की सलाहियत। तो यहाँ उसमें कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और पैराग्राफ को पढ़कर उस पर से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसे हमें सॉल्व करने होंगे। तो ये हमारे इस तरह के छह टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में हमारे सामने आने वाले हैं। जैसा भी हमने देखा, वोकैबुलरी, वर्ड पजल, लैंग्वेज स्टडी, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग, रीडिंग स्किल वगैरह। और सब में क्या सवाल आ सकते हैं, हमने उसके बारे में एक जायजा लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं वोकैबुलरी को लेकर, है ना? वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लू। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लू, उसको हम लेते हैं। उसमें एक क्वेश्चन एक सैम्पल के लिए हमारे सामने आ रहा है कि एक तस्वीर बनी हुई है और उसके बारे में क्वेश्चन है, द बॉय इन द पिक्चर इज, है ना? द बॉय इन द पिक्चर। अब ऑप्शंस ले लेते हैं, वाटरिंग प्लांट्स, सोइंग सीड्स,
पिकिंग अप द फ्लावर्स, ऑब्जर्विंग द लीव्स। चलिए यहाँ पर बहुत ही आसान सा एक सवाल है हमारे साथ जो स्कूल से ऑनलाइन है। अगर वहाँ माइक ऑन हो तो टीचर से रिक्वेस्ट है बच्चों को माइक दीजिए ताकि बच्चे जवाब देने की कोशिश करें। माइक का कनेक्शन नहीं शो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास चार ही ऑप्शन हैं। उन चार ऑप्शंस को देखने के बाद आप इशारे से बता सकते हैं कि ऑप्शन वन या ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री या ऑप्शन फोर क्या आंसर आएगा। ओके, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन वन कह रहे हैं और गलती से कुछ बच्चों ने शायद दूसरा भी कुछ कह दिया था, लेकिन अब वो भी वन ही कह रहे हैं। तो जैसा कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, द बॉय इन द पिक्चर इज, तस्वीर को देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो वाटर से समझ में आ जाता है, वो वाटरिंग कर रहा है ना। जब हम पौधों को पानी देते हैं तो उसे वाटरिंग प्लांट्स कहा जाता है। तस्वीर में वही दिखाया जा रहा है। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन वन है ना। अच्छा, आपने इससे पहले समझा है कि आपको आंसर किस तरह से लिखना होता है, कि आपको एक शीट अलग से दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको दायरे फिल करना रहेंगे ना। तो जो ऑप्शन वन है उसका दायरा हम फिल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है द गर्ल इन द पिक्चर इज, वही सारे ऑप्शन यहाँ पर रिपीट हो गए हैं लेकिन पिक्चर को चेंज कर दिया हुआ है। चलिए अब इसमें आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, कि वो लड़की क्या कर रही है। ऑप्शन नंबर थ्री, फोर, टू, यहाँ पर सब अलग अलग जवाब आ रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अब अगर हमें कंफ्यूजन हो या हमें मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, कोई नया वर्ड आ गया है जो हमारे जहन में नहीं आ पा रहा है कि उसका क्या मतलब होगा, ठीक है बेटा हाथ नीचे रखें, मैं बता रहा हूँ उस पर, कि जब यहाँ पर हमें नहीं समझ आ रहा है तो हम थोड़ा उसको गौर करेंगे। देखिए सबसे पहली बात के पहला जो ऑप्शन है वाटरिंग प्लांट्स, तो उसमें पहले तो वाटर नहीं है, है ना, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। हाँ, अब समझ लो दूसरा जो ऑप्शन है सोइंग सीड्स, उसका मीनिंग हमें नहीं पता, तो हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है पिकिंग अप द फ्लावर्स, तो इसमें फ्लावर्स हैं क्या, तो तस्वीर में तो फ्लावर्स हैं ही नहीं, इसलिए वो भी ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद ऑब्जर्विंग द लीव्स, लीव्स आपको पता है लीव्स यानी पत्ते, तो तस्वीर में पत्ते भी नजर नहीं आ रहे हैं, फ्लावर्स भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो इस तरह तीन ऑप्शन खुद ही कट हो जाते हैं। तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है ऑप्शन टू के द गर्ल इन द पिक्चर इज सोइंग सीड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है। वैसे ही जल्दी से हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं ना। सेम क्वेश्चन को हमने रिपीट कर लिया है, सिर्फ यहाँ पर आपके सामने पिक्चर को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो आप पहले के दो सवाल देखने के बाद द बॉय इन द पिक्चर इज आसान है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पिकिंग अप द फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स पिक कर रहा है। चलिए उसके बाद ये तो बहुत ही आसान है, बगैर ऑप्शन के ही हम बता सकते हैं कि वो लड़का क्या कर रहा है। द बॉय इन द बुक इज, सॉरी, द बॉय इन द पिक्चर इज राइटिंग लेटर, रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग टीवी, रीडिंग अ बुक, क्या ऑप्शन आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर फोर है ना। सो दैट इज सो सिंपल। देखिए यहाँ पर बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमें इतने मुख्तलिफ तरीकों से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जब एक तरीके से ही सवालात का मुशाहिदा कर रहे हैं तो हमारे लिए जवाब देना बिल्कुल आसान है। तो अगर हम रोजाना सही तरीके से स्टडी करते रहेंगे तो हमारे लिए स्कॉलरशिप का एग्जाम बिल्कुल भी आसान हो जाएगा,
है ना। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है, द गर्ल्स इन द पिक्चर आर डूइंग होमवर्क्स, प्लेइंग विद अ बॉल, वॉचिंग टीवी और गोइंग टू स्कूल। क्या आएगा ऑप्शन नंबर? ओके ऑप्शन नंबर टू है ना। तो ऑप्शन टू, जैसा कि पिक्चर से हमें आसानी समझ में आ रहा है कि वो जो गर्ल्स हैं दे आर प्लेइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और साथ में हमने जायजा लिया कि किस तरह से हमारा सिलेबस रहेगा। अगले हफ्ते से हम लोग जब आपसे मुलाकात होगी तो एक एक टॉपिक को लेकर उसको डिटेल में देखने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। और सबसे अहम बात यह है कि आप खुद से जो है सेल्फ स्टडी करना शुरू करें। देखिए हमें ये एक एडिशनल एग्जाम देना है, यानी हमें स्कूल के काम भी करने हैं, स्कूल के होमवर्क भी करने हैं, स्कूल के एग्जाम्स टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करनी हैं, और साथ ही साथ ये हमें अलग से एक एग्ज़ाम देना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए तैयारी भी अलग से करनी होगी, जिसके लिए आपसे थोड़ी सी मेहनत दरकार है। तो चलिए आज यहाँ पर हम रुकते हैं, रिसेस का वक्त हो गया है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।